जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेंट्रल लाइन को डिस्कस किया, उसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ व्यूअर्स के लिए, येलो टू ग्रीन एक ख़ास एंगल से, जिसे प्लेयर्स मोस्टली साइड्स यूज़ करते हैं और बॉल मिस होता है। ये एंगल आप नोट कर लीजिए, दिस वन, ये एंगल आपका, ठीक है। यहाँ से भी देख लीजिए ओवरव्यू। इस एंगल से सबसे पहले हम टॉप से, सेंटर लाइन से टॉप से पॉट करेंगे येलो को, और हम देखेंगे कि ग्रीन का प्लेस कहाँ आता है। इट्स ऑल अबाउट द पेस, कि कितनी पेस रखनी है। फिर हम सेकंड पॉइंट से येलो को पॉट करेंगे सेंटर लाइन से ही, और फिर हम मिडल से पॉट करेंगे, ठीक है, मिडल से बिल्कुल पॉट करेंगे, और तीनों शॉट्स के लिए ग्रीन का प्लेस लेकर आएंगे विदाउट एनी साइड, और बहुत सॉफ्ट टच के साथ ही होगा, ठीक है। तो इससे ये क्लियर होता है कि मोस्ट प्रॉब्ली एंगल्स ऐसे ही होते हैं जिसमें हमें साइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम साइड बिला वजह यूज़ करें तो हमारे बॉल भी मिस होते हैं और पोजीशन भी अच्छी नहीं होती, और हमें इसीलिए याद भी नहीं रहती। अगर हम ये पोजीशनिंग याद रखें इस तरह की, इसको बदल बदल के प्रैक्टिस करें कि हम सेंट्रल लाइन से इस पोजीशनिंग में, जिस तरह ब्लैक हमने देखा था कि हमने, ये ब्लैक था और यहाँ हमारा क्यू बॉल था, किस तरह से हमने रेड का प्लेस किया था सेंट्रल लाइन से, इसी तरह सेंट्रल लाइन से किस तरह से हम येलो से ग्रीन का प्लेस ले रहे हैं, ये आप देखिएगा इन तीन शॉट्स में जो हम देखते हैं कि टॉप और उससे नीचे आए, मिडल में, टॉप और मिडल से दरमियान में, और उसके बाद बिल्कुल मिडल से हमने खेला। अच्छा, ये खेलने के बाद फिर हम उससे ज़रा नीचे आकर सिर्फ इफ़ेक्ट देखेंगे, वो हम ग्रीन का प्लेस नहीं देखेंगे। उसके बाद हम इसी एंगल में मिडल से नीचे और फिर डीप स्क्यू में और सेमी स्क्यू में देखेंगे कि इसी एंगल से हमारा क्यू बॉल कहाँ जाता है, ठीक है जी। थैंक यू। टॉप से खेला हमने, आप बहुत से एक पॉइंट नीचे आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आइडियल प्लेस है। परफेक्ट प्लेस, ये पहले हमने टॉप से खेला, एक पॉइंट नीचे आए और फिर बिल्कुल मिडल से आए, और ये हमने बिल्कुल इसको प्लेस किया। हेल्प करेंगे हमारी वीडियो बनाने में, ठीक है। आज की वीडियो हमारी मोइस बनाएंगे, तो आई अप्रिशिएट हिम एंड थैंक हिम वेरी मच। चले आइए अब आगे बढ़ते हैं। मिडल से थोड़ा सा नीचे ब्लू के स्पॉट पे जो रेड है उसके लिए हम देखेंगे, मिडल से एक पॉइंट नीचे आइए। आपने देखा कि ये रेड बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से आप ये रेड की पोजीशनिंग आ गई है, यानी कि ब्लू के आसपास पॉइंट के जो भी यहाँ रेड हो, यहाँ पर हो, यहाँ हो, तो इस एंगल से आप मिडल से एक पॉइंट नीचे खेल के यहाँ आ सकते हैं। अब हम देखें कि बिल्कुल जो मिडल और स्क्रू के दरमियान में, यानी कि डीप
साइड पे खेल के देखेंगे कि हमारा बॉल कहाँ जा रहा है। अब आप मिडल और मिडल से एक पॉइंट नीचे खेला है, अब आप डीप स्क्यू से एक पॉइंट ऊपर इसको खेल के देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है। क्या आपने देखा कि बिल्कुल स्ट्रेट रेड इसका, आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रेड आपका और बिल्कुल अच्छी पोजीशनिंग एक आ गई है। देखिए आप ये एक पोजीशनिंग, ये देखिए बहुत क्लियर पोजीशनिंग है रेड की। ये देखिए ये हमने डीप स्क्यू से एक पॉइंट ऊपर खेला है और पिंक के पास यहाँ इस लाइन में जो भी रेड हो वो हमारे सामने बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी पोजीशनिंग है। अब हम डीप स्क्यू से देखें, सेंट्रल लाइन से डीप स्क्यू से सेम एंगल से येलो के हम देखेंगे कि हमारा क्यू बॉल उसका क्या इफेक्ट होता है। डीप स्क्यू का इफेक्ट आपने देखा और ब्लैक के करीब जो रेड है ये भी बिल्कुल ठीक ठीक प्लेस हुआ, एक अच्छी पोजीशन शॉट जी। अभी आपने देखा कि हमने टॉप से खेला तो इस एंगल से, सेम एंगल से, ये एक एंगल जो है हमने टॉप से खेला, सेंटर लाइन से ग्रीन प्लेस हुआ, उसके बाद हमने टॉप से एक पॉइंट नीचे खेला, ठीक है, फिर भी ग्रीन प्लेस हुआ। जब हमने मिडल से शॉट खेली तो भी ग्रीन प्लेस हुआ, मिडल से एक पॉइंट नीचे हम लोग आए हैं तो ये वाला रेड प्लेस हुआ, मिडल से और नीचे जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर आए हैं तो पिंक वाला रेड प्लेस हो गया, और जब हम डीप स्क्यू में गए हैं यहीं से सेम एंगल से सेंटर लाइन से तो हमारा क्यू बॉल डबल कुशन यहाँ से इस रेड का प्लेस आया हमारे पास। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि किसी साइड की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर एंगल्स में हम सेंटर लाइन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। ये अब हम टेबल की दूसरी साइड पे हैं, येलो से जो इफ़ेक्ट होता है वही ग्रीन का भी इफ़ेक्ट यकीनन होगा। येलो की हमने एंगल ये था, ठीक है, और ग्रीन के लिए हम एंगल थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और सेम इफ़ेक्ट होगा टेबल की दोनों साइड से। इट्स मीन कि अगर आप एक साइड की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दूसरी साइड की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाती है।
स्क्यू से खेलेंगे यहाँ से, ठीक है। अब प्री शॉट प्रिपरेशंस चौक लगा के, और अब स्क्यू हम खेलेंगे इस शॉट को। और ये देखिए हमारा क्यू बॉल कैसे है, बिल्कुल रेड के ऊपर है परफेक्टली। यहाँ से आप दिखा सकते हैं इधर आके, ये देखें ये परफेक्ट रेड प्लेस हो गया हमारा। तो हमें कोई साइड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमने सेंट्रल लाइन से खेला है। सेंट्रल लाइन से मिडल से एक पॉइंट नीचे से इस एंगल से हम आए हैं इस रेड के ऊपर, स्क्रू से ऊपर सेमी स्क्रू से हम आए हैं इसके ऊपर रेड के, और डीप स्क्रू से आगे हम इस रेड के ऊपर। तो ये सेंट्रल लाइन की सिंपल स्नूकर गेम। एक अच्छा पोजीशन शॉट हुआ और हमारा रेड प्लेस हो गया ये वाला, ठीक है।